नमोस्तुते महामाये मातंगी मोरेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोधारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाट की धाता श्यामला रूप धारिणी मोर जनहा वंदिता मातंगी मोर कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि हृदय देवी अष्टादश भुज धारिणी। सभी से सभी नए निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोरेश्वरी बोल बम। ध्यान करते समय उबासी भी आती है, नींद भी आती है, आंख से आंसू भी आते हैं, घबराहट बेचैनी भी होती है, शरीर में अग्नि जैसा प्रतीत होता है, शरीर में खुजली जैसी होती है। इसके अलावा एक चीज और होती है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो आप पाएंगे कि जब आप कभी भी पूजा पाठ करने आदि बैठते हैं, जब आप किसी संकल्प को लेते हैं कि हम 4 दिन ये पूजा करेंगे या 8 दिन करेंगे या हम रोज आधा घंटा बैठ के पूजा करेंगे या हम 5 माला जपेंगे या 1 माला जपेंगे, जो भी आप नियम लेते हैं, और जब आप भगवान का स्मरण चिंतन करने के लिए बैठते हैं तो अब आप पाते हैं कि आप वहाँ भगवान का स्मरण कर रहे थे और करते करते आपको नींद के झोंके से आ रहे हैं या आंख बंद करने के बाद आपको भांति भांति के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इन दृश्यों में आप पाते हैं कि आपको कामुक और वासना युक्त विषय विकार वाली चीजें अधिक दिखाई देती हैं, तो इसका कारण क्या है और क्या यह दिखना सही है या गलत? कई लोगों ने इस बारे में पूछा है या चर्चा की है या कई लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, आप किसी भी देवी देवता की आराधना करें, उपासना करें, आपको यह जान लेना चाहिए कि आप अगर शुरुआती दौर में हैं तब भी ये सब दिखेगा और आप इन सब चीज़ों को करते हुए किसी उच्च पड़ाव पर पहुंच गए हैं तब भी आपको यह सब चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि आपके अच्छे कामों की प्रतिक्रिया, पलट प्रतिक्रिया जिसको मैं कहूँगा, यानी कि ये एक तरीके से जो होना नहीं चाहिए वो होता है, जो हम करना नहीं चाहते वो होता है, तो इसको मैं कहूँगा पलट प्रतिक्रिया। तो ये होना स्वाभाविक है, हर बार आपको गिराने की कोशिश की जाती है, हर बार आपको पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है, हर बार ये चाहा जाता है कि आप आगे ना बढ़ पाएं या आप जो बढ़ना चाहते हैं उस उद्देश्य में आप कितना खड़े उतर सकते हैं, इस तरह की ये एक परीक्षा आपकी होती है। तो आपको ध्यान में ये सब क्यों दिखाई देता है, तो मैं दोनों ही स्टेज के लिए बताऊंगा, एक वो जो कई समय से ध्यान के अभ्यस्त है और एक वो जो ध्यान करना प्रारंभ किए हैं या शुरुआत की है, नए नए साधक हैं। तो देखिए, पहले मैं नए साधकों की रुचि की ही बात कर लेता हूँ। नए साधक क्या होता है कि यूट्यूब पर हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल बात करेंगे हम, और नई पीढ़ी की अगर बात कर रहे हैं तो हम सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात पहले करेंगे। तो आप जब यहाँ हैं तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आप फिल्में देख रहे हैं, फिल्मी गाने देख रहे हैं, कुछ ऐसे कंटेंट भी हैं जिनको हम अश्लील, वल्गर या आध्यात्म की दृष्टि से अनुचित कहते हैं, आप सब उनको देखते हैं, और कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो इन चीज़ों की तरफ आकर्षित ना होता हो, ये स्वाभाविक बात है। तो होता यह है कि आपको अध्यात्म का तब ज्ञान नहीं था, तब आप इन चीज़ों में ज़्यादा लगे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे आप अध्यात्म में बढ़ते हैं तब आप धीरे धीरे इन चीज़ों से विमुख होने लगते हैं। अब आप विमुख हो रहे हैं लेकिन आपके शरीर आपकी उम्र के साथ जब बढ़ता है तब इसमें विकारी भावनाओं का बढ़ना स्वाभाविक होता है, वह अपने चरम पर होती हैं इस समय, और उसी कारण से होता यह है कि आपका जो दिमाग है वो तो कह रहा है कि मुझे आध्यात्मिक चीज़ों में जाना है, और आपका जो शरीर है वो ये और आपकी जो मन इंद्रियां हैं ये सभी ये कह रही हैं कि हमें तो काम वासना की ओर जाना है, हमें तो भोग भोगना है, आप हमें भोग भोगने से ना रोकें। अब हुआ ये कि अभी तक जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर थी, हम हर कुछ हर कभी हर समय कर लेते थे, लेकिन अब हमने उन सभी दैनिक क्रियाओं का हमने एक समय निश्चित कर लिया कि हम इतनी बजे पूजा करेंगे, इतनी बजे सोएंगे, इतनी बजे उठेंगे, इतनी बजे खाएंगे और ऐसा खाएंगे, इतनी बजे पढ़ाई भी करना है आपको, आपको खेलना कूदना भी है, और ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल इतने पूर्ण भगत हो जाएंगे कि आप बिल्कुल साधु ही हो जाएंगे, आप ना फिल्में देखेंगे, ना कोई कहानी पढ़ेंगे, ना कोई किस्सा पढ़ेंगे, ना किसी से बात करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, संभव ही नहीं है। तो होता ये है
कि जब आप इन सब चीजों में पड़ जाते हैं, अब आपके शरीर और आपके मन और आपके सोच जो आपने एक फिक्स टाइम टेबल कर लिया है, उनके बीच में एक विरोधाभास होता है। अब ये सारे विरोधाभास हमें कहाँ दिखाई देते हैं? जब हम सो रहे होते हैं तो हमें नींद में दिखाई देते हैं, जब हम कुछ सोच नहीं रहे होते, जब हम कुछ कर नहीं रहे होते, जब हम शून्य में जाने का प्रयास करते हैं, तब ये सब होता है। और यही प्रक्रिया जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम पूजा पाठ में बैठते हैं, तब भी होता है। जब हम नेत्र बंद करते हैं तब वो चीज़ें हमारा मस्तिष्क को लगता है कि ये व्यक्ति सो रहा है, उस समय पर वो सारी चीज़ें जो दिन भर में दोहराई गई होती हैं वो पलट पलट के आपको उसकी रिकॉर्डिंग दिखाना शुरू कर देता है। सारा रिप्ले मोड में आ जाता है सब कुछ और रीटेलीकास्ट होने लगता है। यही कारण है कि नए साधक को इसमें अधिक समस्याएं आती हैं। अब रहे पुराने साधकों की बात, तो पुराने साधकों के साथ ये इसलिए होता है क्योंकि वो जब लगातार जप तप कर रहे हैं, लगातार भक्ति भावना में हैं, लेकिन शरीर की भी अपनी एक मर्यादा है। भगवान ने ही बनाया है, भगवान ने ही हमको काम विकार आदि दिए हैं, भगवान ने ही हमको तरह तरह की मर्यादाएं दी हैं। यदि कोई गृहस्थीवान व्यक्ति है तो उसकी अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं हैं, उसके अपनी समस्याएं हैं। तो वो जब ध्यान करता है तो दिन भर में होने वाली अनेक चीज़ें नए साधक को जितनी अधिक दिखाई देती उतनी अधिक तो नहीं और उतनी ज़्यादा परेशान भी नहीं करती हैं, परंतु पुराने साधक को भी ये चीज़ें परेशान करती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब व्यक्ति किसी चीज़ का विरोध करता है, सहजता नहीं हो, जिस काम में सहजता नहीं हो, जहाँ विरोध हो वहाँ टकराव होता है। आप किसी चीज़ को धक्का दीजिए वो पलट के आपकी तरफ करेगी, आप किसी भारी पत्थर पे करेंगे तो आपके हाथ में चोट लगेगी, वो पलटेगी नहीं लेकिन आपको वहीं के वहीं चोट दे देगी। तो इस प्रकार से प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो होता यह है कि आपने सुना होगा कि पुराने ऋषि मुनि जब तप करने जाते थे तब उनके सामने अप्सराएं आ जाती थी। अब वहाँ ना आप थे ना मैं था, हमें तो नहीं पता कि किस प्रकार की अप्सराएं वहाँ आ जाती थी, लेकिन आपकी साधना में जो भी दुष्ट वृत्तियां, नकारात्मक शक्तियां, जो भी अप्सराएं या स्वर्ग के राजा इंद्र की भेजी हुई वे गणिकाएं जो ये नहीं चाहती कि आप तपस्या में सब आराधना करके और आप सब कुछ पूर्ण फल प्राप्त करके इंद्र के सिंहासन को ले लें, जैसा कि हम पुरातन काल से हमारे धर्म ग्रंथों में सभी प्राचीन पौराणिक कथाओं में सुनते आए हैं। तो ये सभी जो प्रतीक हैं आप अनुभव करेंगे, जब आप ध्यान करेंगे आप पाएंगे कि आपके साथ भी यही सब होता है। आप कई लोगों को देखते हैं, पुरुष है तो उसे स्त्रियां दिखाई देंगी, स्त्री है तो उसे पुरुष दिखाई देंगे, काम विकार की भावना उत्पन्न होती है, कई जगह हमारा मन भटकता है, कई संसार की घर घरेलू बातों में हमारा मन भटकता है। यह सब क्या है? यह सब इंद्र का हमारा फल चुराने का ही एक प्रयोजन होता है जो हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तो आप चाहे नए साधक हो या पुराने साधक, यह समस्या तो हमेशा बनी ही रहेंगी, परंतु हमें इनसे पार पाना है और इन समस्याओं को दरकिनार करना है। दरकिनार ऐसे नहीं होंगे कि आप सोचें कि जब दो चार दिन अभ्यास करेंगे और बिल्कुल समस्या नहीं होगी तब हम मंत्र जाप करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये अभ्यास कभी आपका पूर्ण हो ही नहीं सकता, निरंतर अभ्यास ही आपको पूर्ण कर सकता है। तो आपको तो ये निरंतर करना है, मस्तिष्क का कार्य है निरंतर सोचना, मन का कार्य है अपनी गति से यहाँ से वहाँ जाना, ये तो अपना काम करेंगे ही। तो आप इससे भयभीत ना हो, आपको जब भी इस तरह की समस्याएं हो आप भगवान से क्षमा मांग लें और अपना कार्य निरंतर करते रहें। यदि आप मान लीजिए कोई मंत्र जाप कर रहे हो और आपके दिमाग में कोई उस समय अश्लील चित्र आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसको ना देखते हुए, उसको इग्नोर करते हुए आप जिस देवी या देवता के मंत्र जाप कर रहे हैं आप उसकी छवि को देखने का प्रयास कीजिए। उसके लिए आपको द्वंद्व नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना जो मंत्र जाप था वो निरंतर करना है, निरंतर करना है। करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक होगा ये कि ये अश्लील दृश्य आपकी आंखों से हटकर आपके सामने भगवान की विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न चित्र, विभिन्न स्वरूप दिखाई देने लगेंगे। लेकिन ये तुरंत नहीं होता है, इसको करने में कई समय लगते हैं। तो जो पुराने साधक हैं इसीलिए उनको ये समस्या कम होती है क्योंकि वे इसी विधि को अपना लेते हैं, वे अपने इष्ट अपने आराध्य को देखने की कोशिश करते हैं, ना कि संसार को। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन और था इससे जुड़ा हुआ कि क्या हम किसी देवी देवता की आराधना कर रहे हैं और उस समय हमको ये सब चीज़ें दिखाई देंगी तो क्या हमारी तपस्या खंडित हो जाएगी या हमारे जब तक व्रत खंडित हो जाएंगे या हमें ब्रह्मचर्य का पालन किस तरीके से करना चाहिए? तो देखिए इसके लिए आपको इसका अगला भाग आपको देखना होगा।
वो कब प्रसारित होता है देखते हैं, दो एक दिन में वो भी आ जाएगा, तो आपको वो भाग भी देखना है ताकि उस समस्याओं से संबंधित भी समाधान आपको दिया जा सके। अभी तो यही था कि जब तक मैं जप करते समय या ध्यान करते समय ये सब चीज़ें दिखती हैं तो इसका क्या होता है और क्यों दिखती हैं और किस लिए दिखती हैं और इसका उपाय क्या है। तो इसका उपाय यही है कि आप दिन रात अपने भगवान की छवि का स्मरण करें, जहाँ भी उठे बैठे तो धर्म चर्चा करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान के फोटो देखें, मंदिर आदि दर्शन करें। तो जो आपके नेत्रों ने दिन रात देखा है, दिन रात सुना है आपके कानों ने, और जो आपके मुख से दिन भर निकलता है जब आप ध्यान में बैठेंगे, तब जब एक्शन रिप्ले होगा या फिर रिपीट टेलीकास्ट होगा तब यही चीज़ें आपको दिखाई देंगी, तब आपको भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं होगी। बस इतनी सी ही बात है। जय मोरेश्वरी बोल बम। ओम मणिक्यमणाम अप्लालयंतीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेंद्र नीलम द्योतिकोमलांगी मतंग कन्या मनसा स्मरामि।